हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक राय आप सभी का स्वागत आप सभी के यूट्यूब चैनल राय एजुकेशनल में करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक नई सीरीज़ के साथ अपने इस चैनल पे ये वीडियो शूट कर रहा हूं और नई सीरीज़ में हम लोग करंट अफेयर्स जो मंथली, वीकली और डेली बेसिस पे आते हैं उनका पूरा निचोड़ निकाल के हम लोग वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे। और इसमें हम लोग जीके का स्टैटिक पोर्शन, जो जैसे कि विश्व में कौन क्या क्या, भारत में कौन प्रथम वगैरह वगैरह, आप सभी को पता होगा। और उस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं करने के लिए ये पहला वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। इसमें मैं भारत के मंत्रिमंडल जो प्रेजेंट टाइम में कौन क्या है, क्योंकि आगे कई ढेर सारे लगातार एग्ज़ाम हैं, जैसे वीडियो का एग्ज़ाम है और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, UBTET का एग्ज़ाम है, आगे अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा है, शिक्षक भर्ती परीक्षा, और उसके बाद आपका CTET है, CTET के बाद आपका KVS और केंद्रीय विद्यालय संगठन का एग्ज़ाम है, वगैरह वगैरह ढेर सारे एग्ज़ाम। और जो वन डे एग्ज़ाम है जैसे SSC, बैंक, रेलवे, वो सब तो एग्ज़ाम होते ही रहते हैं। बाकी आपके जो CCC, जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज हैं उसमें भी ये स्टैटिक पोर्शन, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो टॉपिक होता है GK करंट अफेयर्स का, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो उसको ध्यान में रखते हुए मैं कई दिन से सोच रहा था कि मैं वीडियो अपलोड करूं, लेकिन उसके लिए मेरे पास जानकारी करनी थी, मुझे उपलब्ध अपने आप को अपडेट करनी थी उस चीज़ से, तो थोड़ा टाइम लगा। और मैं बीच बीच में आप लोग को अपडेट करता रहूँगा इन सब वीडियो से। और आप लोग को बस दो काम करना है, एक वीडियो देखना है, उसको पढ़ना है, अच्छे समझना है, और दूसरा मैक्सिमम शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहली वीडियो है भारत के प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है, राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, और बाकी मंत्रिमंडल में कौन कौन मंत्री हैं और उनको क्या क्या कार्यभार, कौन कौन सा उनको डिपार्टमेंट इशू हुआ, कौन सा दिया गया, इसके बारे में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियोज़ की तरह अपना प्यार इस प्लेलिस्ट को दीजिए, सीरीज़ को दीजिए, और आशा करता हूँ आप अच्छा इसका अपना सहयोग करेंगे मेरी मेहनत के लिए। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फ्रेंड्स। सबसे पहला है ये, सबसे पहले जो शख्स हैं इनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये कह सकते हैं देश के राजा हैं, भारत देश के ये राजा हैं। इनका नाम है, इनका नाम आप सभी को पता होगा, ये प्रधानमंत्री हमारे भारत देश के हैं, माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। ये ऊपर आप देख रहे होंगे, ये हमारे भारत देश के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, और ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू जी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे प्रधानमंत्री जी हो गए, ये राष्ट्रपति होंगे और ये उपराष्ट्रपति होंगे, आप सभी को आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए आगे चलते हैं। अब भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या क्या है। पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं क्या है केंद्रीय मंडल, कैसे समझेंगे केंद्र, इंग्लिश में इसको कैबिनेट मिनिस्ट्री बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत गणराज्य में कार्यकारी अधिकारी का प्रयोग करता है, ये वर्ड जो है, जो प्रेजेंट टाइम में वर्किंग ऑफिसर्स होते हैं किसी कंट्री के, उनको बोला जाता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। इसमें वरिष्ठ मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री और कनिष्ठ मंत्री यानी राज्य मंत्री सम्मिलित होते हैं, जिनका नेतृत्व प्रधानमंत्री, मतलब जो हेड होता है इनका पूरे मंत्रिमंडल का, वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल नामक एक छोटी कार्यकारी निकाय भारत में सर्वोच्च निर्णय लेने की संस्था है, केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ही कैबिनेट के सदस्य होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। कैबिनेट मिनिस्ट्री में अगर पूछा जाए तो कौन होता है, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री होते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में। भारत में सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक कैबिनेट सचिव कैबिनेट सचिवालय का नेतृत्व करते हैं तथा मंत्रियों की परिषद को प्रशासनिक सहायता प्रदान करते हैं। देखिए, ये आप समझिएगा, सिविल सेवक मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ठीक है, जैसे IAS हो गए आपके, IPS हो गए, तो वो हैंडल करते हैं इनके डिपार्टमेंट्स को, मेन हेड ऑफ अथॉरिटी उनको प्रदान की जाती है, तथा मंत्रियों की परिषद को प्रशासनिक, ये प्रशासनिक मानी एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प देते हैं इन मंत्रिमंडल के मंत्रियों को। राज्य मंत्रियों को अपने काम में कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के साथ काम सौंपा गया है। यह सूची भारत के केंद्रीय मंत्रियों की सूची है, जिसमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 16वीं, याद रखिएगा कि जो लोकसभा है, ये आप सभी को पता है लोकसभा राज्यसभा दो
हमारे संसद के सदन हैं, उच्च सदन हमारा राज्यसभा है, निम्न सदन हमारा लोकसभा है। तो 16वीं लोकसभा है, कौन सी, 16th लोकसभा है ये, और ये 2014 में गठित हुई है, बीजेपी की गवर्नमेंट जब से आई है, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट जब से आई है। और इस सूची में जनवरी 2015 में परिवर्तन किया गया है, जो इस प्रकार है, आप सभी देख सकते हैं। ये अधिनियम अधिनियम है, और आपको बस ये पता होना चाहिए मंत्री तीन प्रकार के होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, स्टेट मिनिस्टर होते हैं, और स्टेट मिनिस्टर वो भी दो टाइप के होते हैं, स्वतंत्र प्रभार जिनको स्वतंत्रता से प्रभार जिनको एक्स्ट्रा दिया जाता है, और MOS होते हैं, ये कनिष्ठ मंत्री जो होते हैं, ये कनिष्ठ मंत्री जो कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं, और आमतौर पर ये मंत्रालय में एक विशेष कार्य के लिए ही नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हैं हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो प्रधानमंत्री हैं, उनको क्या क्या मिला, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मामले एवं उन सभी विभागों के मंत्री जिन्हें स्पष्ट रूप से किसी को नहीं दिया, मतलब कोई और जो डिपार्टमेंट है जो किसी मंत्री को नहीं सौंपा गया है, वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री के हैंडल में होता है, हाथ में होता है। और आप सभी को पता है नीति आयोग, आपको सभी पता है थिंक टैंक ऑफ इंडिया, थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट होता है, तो उसके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री हैं। ले आगे चलते हैं, पहले हैं नरेंद्र मोदी जी, जिनके बारे में हम लोग ने देख लिया। दूसरे हैं राजनाथ सिंह जी हैं, ये गृह मंत्रालय इनका है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिनको इंग्लिश में बोलते हैं, और ये हमारे गृह मंत्री हैं। इनके बारे में एक चीज़ जान लीजिए कि सन 2000 में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट थी, तो उस समय ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे भारत के, तो उनके कार्यकाल में ये कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं सुषमा स्वराज जी, जो विदेश मंत्रालय इनको सौंपा गया है। चौथे नंबर पे आते हैं अरुण जेटली जी, जिनको वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्टर सौंपा गया है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, निर्मला सीतारमण हैं, जिनको रक्षा मंत्रालय सौंपा गया है। तो जहाँ पे जो चीज़ दिखा रहेगा उसकी वो मिनिस्टर हो जाएंगे, आप सभी को बताने की ज़रूरत नहीं, इतना तो आप थिंक कर सकते हैं। सिक्स्थ है नितिन जयराम गडकरी जी, इनको सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय और जहाजरानी इनको सौंपा गया है। नेक्स्ट हैं DV सदानंद गौड़ा, इनको स्टैटिक और कार्यक्रम कार्यान्वयन दिया गया, मतलब सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन इनको मंत्रालय सौंपा गया है। नेक्स्ट रविशंकर प्रसाद, ये जानते हैं आप लोग, लॉ मिनिस्टर हमारे, कानून एवं न्याय, संचार एवं सूचना दोनों हैं ये। नेक्स्ट है जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इनको सौंपा गया है। फिर उसके बाद हैं हमारे 10वें नंबर पर उमा भारती जी हैं, जो उनको पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय इनको दिया गया है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद हैं हमारे सुरेश प्रभु हैं, वाणिज्य मंत्री और नागरी उड्डयन मंत्री। नेक्स्ट है रामविलास पासवान जी, उपभोक्ता मामला, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। नेक्स्ट हैं कलराज मिश्र जी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय। मेनका गांधी जी नेक्स्ट हैं, जिनको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सौंपा गया है। नेक्स्ट हैं अनंत कुमार जी, जिनको उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय और संसदीय कार्य सौंपा गया है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अनंत गीते जी हैं, जिनको भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय दिया गया है। हरसिमरत कौर बादल हैं, इनको खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय दिया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, जिनको ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय सौंपा गया है। नेक्स्ट हैं जुएल उराव, जिनको जनजाति मामलों और मंत्रालय इनको सौंपा गया है। इंपॉर्टेंट है राधा मोहन सिंह, जिनको कृषि मंत्रालय सौंपा गया है। इसके बाद हैं थावर चंद गहलोत जी, जिनको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सौंपा गया है। इसके बाद हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, जिनको मानव संसाधन, मतलब इनको HRI मिनिस्टर हैं, ह्यूमन रिसोर्स HRD मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय इनको सौंपा गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान। नेक्स्ट हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, इस्पात मंत्रालय, और स्मृति ईरानी जी, जिनको कपड़ा मंत्रालय दिया गया है, और पीयूष गोयल जी हैं, जो रेलवे मिनिस्टर हैं, रेल मंत्रालय इनको सौंपा गया है। तो ये वीडियो था फ्रेंड्स, और ज़्यादा बड़ा ना बनाने के चक्कर में थोड़ी सी फास्ट हुई है स्पीड इसको मुझे करने में, और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं जो जो इम्पॉर्टेंट है यहीं से बता देता हूं। सबसे इम्पॉर्टेंट रेल मंत्रालय आपको याद करना है, स्मृति ईरानी जी याद करना है, इस्पात मंत्रालय, ये पांचों आपको इसमें अगर आप छोड़ सकते, ये दोनों छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तीनों आपको याद होने चाहिए, कौन, रेल मंत्रालय,
विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय और मानव संसार विकास मंत्रालय। इसके बाद इम्पोर्टेंट इस स्लाइड में है कृषि मंत्रालय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद होना चाहिए। आगे देखते हैं, यहाँ पे ये मेनका गांधी जी का जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, रामविलास पासवान जी का, उपभोक्ता मामले सुरेश प्रभु का, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कलराज मिश्र का भी आप देख सकते हैं जिनको सूक्ष्म, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही तीन चीज़ें। इसमें उमा भारती जी को आपको याद करना है, यहाँ पे रविशंकर प्रसाद जी को याद करना है, स्वास्थ्य विभाग, यहाँ पे मतलब मैक्सिमम चीज़ें आपको याद करनी है। मैंने उतना ही कवर किया, बाकी इतना तो आपको याद होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये स्लाइड्स थे हमारे, और ये हमारे चैनल का बैनर UPTT CTT के लिए, एजुकेशनल। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, मैक्सिमम शेयर करिए, और लग जाइए पढ़ाई में। हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग मिलके पढ़ेंगे और डिफेंड करेंगे पूरे एग्ज़ाम को, और अपनी सीट पक्की करेंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय चैनल। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।